It is Dr. Aditya Sharma, Assistant Professor in Botany, SPC Government College Ajmer. Students, आज हम थर्ड ईयर का जो फिजियोलॉजी का सिलेबस है उस सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और ये सिलेबस मैं ही रीड करूँगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट है या यूनिट वन से हम शुरू करें, जो वाटर रिलेशन यानी जल संबंधों पर निर्भर है, उस यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस यूनिट में वाटर रिलेशंस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा कि किस तरह से वाटर एब्जॉर्ब होता है, किस तरह वो ऊपर चढ़ता है यानी एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण जिसे कहते हैं, किस तरह से वाटर ट्रांसपायर करता है यानी वाष्पोत्सर्जन क्या चीज़ है, कंडीशन क्या चीज़ है यानी बिंदु स्त्राव जिसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक कुछ भौतिक दबावों पर निर्भर है, जैसे डिफ्यूजन यानी विसरण आपने नाम सुना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, DPD यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी विसरण दाब न्यूनता, जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल, अंतर शोषण यानी बिंद इम्बाइब्यूशन, इन सब पर आपने सुना होगा। ये सारे टॉपिक्स क्योंकि वन बाय वन वाटर पर डिपेंडेंट है, तो हम पहले वाटर की कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे जो इन सारे जल संबंधों को बनाए रखता है या उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में जल संबंध क्या है। तो जल संबंधों को जानने के लिए, जैसा मैंने कहा कि जल के विभिन्न गुणों का हमें पता होना आवश्यक है, वहीं से हम शुरू करें। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पर हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो है, हम बेसिक बातें जो छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जल वास्तव में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पर साथ ही साथ वो एक चार्ज्ड और पोलर मॉलिक्यूल भी है। तो ये न्यूट्रल भी है और साथ में एक पोलर मॉलिक्यूल भी है। इसके अलावा वाटर में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, जो लगभग 104 डिग्री के आसपास है, वो किसी अन्य अणु को उससे अटैच होने के लिए एक कंप्लीट स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि अन्य अणु उससे आकर जुड़ जाएं। इसीलिए हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि ये सार्वत्रिक विलायक है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है। इस मॉलिक्यूल में कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए यहाँ काम आने वाली हैं, उनको हम खास तौर से चर्चा करेंगे। जैसे हाई डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। देखिए, विसरण हम अलग से डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि कोई अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब गति करता है तो विसरण कहलाता है, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो जल का हो, चाहे कुछ मामलों में वो सॉलिड्स का हो। और डिफ्यूजन की वजह से लगने वाला प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर का। अगर हम एक गिलास पानी को फेंकें तो वो बह जाएगा, बट इफ दैट ग्लास ऑफ वाटर इज हैविंग वन शुगर स्पून एडेड, अगर हम उसमें चीनी का चम्मच भर के घोल दें तो वो गाढ़ा हो जाएगा और उसके बहने की स्पीड कम हो जाएगी यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम हो जाएगा। विसरण की वजह से लगने वाला दाब विसरण दाब कहलाता है और वो प्योर वाटर का हाईएस्ट होगा।
यानी जैसे जैसे मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा वैसे वैसे मिश्रण दाब कम होता चला जाएगा, यानी सॉल्यूट ऐड तो डिफ्यूजन प्रेशर यानी मिश्रण दाब कम होगा। फिर से समझो बात, एक गिलास पानी है उसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया, दूसरा गिलास पानी है जिसमें मान लीजिए मैं कुछ एक चम्मच चीनी ऐड कर देता हूँ, तो वो जो सॉल्यूशन बन गया है, चाशनी बन गई है, उसमें अगर मैं लगातार चीनी ऐड करता चला जाऊँगा तो उसकी डिमांड ऑफ वाटर एक दिन बढ़ जाएगी एक समय पर आकर, क्योंकि उसमें और चीनी घुल जाना संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी जल के अणु उसमें मुक्त थे उन सब जल अणुओं का अब संबंध चीनी के साथ बन चुका है। इसलिए यदि किसी सीमा पर जाकर उसमें और चीनी मुझे घोलनी है तो मुझे और पानी भी उसमें डालना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि सॉल्यूट ऐड करने पर डिफ्यूजन प्रेशर लो हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसकी डिमांड ऑफ वाटर, उसकी जल की मांग बढ़ जाएगी। फिर से क्लियर कर लेते हैं कि हाई डिफ्यूजन रेट होता है, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर हाई है, जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है और डिमांड ऑफ वाटर बढ़ जाती है। कम जब मैं उसमें सॉल्यूट ऐड करता हूँ। अगली बात पर चर्चा करें, जल का हाई पूर्ण एंड एडहेसिव फोर्स होता है, यानी जल का ससंजन बल और आसंजन बल अधिक। जब दो समान प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण हो तो उसे कोहेजन कहते हैं, यानी ससंजन। और यदि दो असमान प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण हो तो उसे आसंजन कहते हैं, यानी एडिशन कहा जाता है। यानी ये समान अणुओं के बीच है और वो असमान अणुओं के बीच है। एक प्लांट के रिलेशन में अगर देखा जाए तो कोहेजन का मतलब होगा वाटर एंड वाटर। इन दिस केस कोहेजन इज मेंट फॉर वाटर एंड वाटर, क्योंकि हम वाटर रिलेशंस की बात कर रहे हैं। अन्य रिश्तों में ये कोई अन्य अणु नहीं हो सकता। अगर हम एडिशन या आसंजन की बात करते हैं तो यहाँ इसका तात्पर्य भिन्न अणुओं के बीच है, और भिन्न अणुओं से बीच का मतलब मुख्यतः यहाँ पर वाटर के साथ सेल वॉल हो सकता है, वाटर के साथ सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। ये खास बात, इन सारी बातों का क्या तात्पर्य है? ये जो हमने कहा कि इसका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स हाई होता है, इसका परिणाम क्या होगा या क्या इसकी भूमिका है पादप जल संबंधों में? तो हम ये देखें कि जल के अणु अपने निरंतरता बनाए हुए हैं, अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि वो आपस में जुड़े और वो साथ ही साथ माध्यम के साथ भी सीमांकित हैं, जुड़े हुए हैं, लिमिटेड हैं। एक जाइलम की अगर हम बात करें जिसमें पानी स्टोर होता है, जिसमें पानी के रिजर्वोयर यानी वो आशय का काम करता है, वहाँ अगर देखा जाए जैसे वाहिका का उदाहरण हम लें, वैसल जिन्हें हम कहते हैं, या ट्रैकिड कहें जिन्हें हम वाहिनिका कहते हैं, वहाँ पर क्या है, जल जल से जुड़ा हुआ है और जल कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ है। इस संबंध का परिणाम क्या होगा? इस संबंध का परिणाम यह है
continuity of columns. कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम जो है जल के स्थापन की सततता बनी रहेगी, यही इसकी खास बात है। आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के कुछ चीज़ों पर बात की, जैसे कि उदासीन एवं ध्रुवीय अणुओं की सार्थक विलायक है, इसका डीपी हाई होता है पर सॉलिड करने पर लो हो जाता है, इसका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स हाई है जिसकी वजह से जल की सतर्कता बन जाती है। नेक्स्ट टर्न पर हम जल विभव के बारे में, मुक्त ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वास्तव में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा कुछ होती है, उससे क्या प्रभाव होगा, ताकि हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम विसरण व अन्य सभी दबावों पर बात कर पाएंगे। थैंक यू।